लाहौर में आलमी इदारा सेहत के मयार से 40 गुना ज़ायद स्मोक और एयर क्वालिटी इंडेक्स पहली बार 1000 से ज़्यादा हुआ। मौसमियाती माहिरीन के मुताबिक भारतीय रियासतों में फसलों की बाकियात जलाने की वजह से धुएं के बाद दल तेज़ हवाओं के साथ पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं। लाहौर का आज भी आलूदगी में पहला नंबर, इंडेक्स 476 तक पहुँच गया। कायदे मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अमरीका के 5 रोजा दौरे के बाद लंदन पहुंच गए। वो लंदन अपनी रिहायशगाह एवेंट फील्ड पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पाकिस्तान माशाल्लाह दोबारा ट्रैक पर आ रहा है। मरियम नवाज पंजाब की तरक्की के लिए मेहनत कर रही हैं। मुल्क में मौशी अशारिये बेहतर हो रहे हैं। हुकूमत की मजमू कोशिशों से महंगाई में कमी आ रही है। PIA के ऊपर भी काम किया जा रहा है। नवाज शरीफ ने कारकुनान का शुक्रिया भी अदा किया। वकील इंतजार पंजोता अटक से बाजियाब करवा लिए गए। पुलिस ने GT रोड पर नाकाबंदी के दौरान मशकूक गाड़ी को रोकने का इशारा किया। थाना सदर हसन अब्दाल के हदूद में अगवाकार गाड़ी और मखबी को छोड़कर फरार हो गए। पुलिस ने फरार अगवाकारों की तलाश के लिए इलाके की नाकाबंदी कर दी। पुलिस के मुताबिक इंतजार पंजोता एडवोकेट की हालत गैर हो गई, जिसके बाद उन्हें मेडिकल चेकअप के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। PIA के निष्कारी एक और खरीदार उम्मीदवार। खैबर पख्तूनख्वा के बाद मरियम नवाज भी PIA खरीदने की ख्वाहिशमंद निकली। नवाज शरीफ को PIA खरीदने का मशवरा दे दिया। मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की न्यूयॉर्क में कारकुनों से गुफ्तगू। कहा कि मरियम नवाज मुझसे मशवरा कर रही थी कि हम PIA को खरीद लेते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि एयरलाइन को पंजाब एयरलाइन का नाम दिया जाएगा। मैंने कहा कि आप PIA भी खरीद सकती हैं और नई एयरलाइन भी कायम कर सकती हैं। एयर पंजाब पाकिस्तान से न्यूयॉर्क समेत दुनिया भर में जा सकेगी। चीफ जस्टिस ने 5 नवंबर को जुडिशल कमीशन का इजलास तलब कर लिया। जुडिशल कमीशन के सरबराह चीफ जस्टिस जाया खान आफरीदी इजलास की सदारत करेंगे। 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तश्कील 9 के बाद ये पहला इजलास होगा। इजलास में आईनी बेंचेस की तश्कील से मुतालिक अहम पेशरफ मुतवक्के है। जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 हो गई। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और नून लीग के शेख आफ्ताब जफके, सैनेट से फारूक नायक और सैनेटर शिबली फराज शामिल होंगे। स्पीकर ने खातून नशिस्त पर रोशन खुर्शीद परोचा को नामजद किया है। तर्जुमान कौमी असम्बली के मुताबिक जुडिशल कमीशन में हुकूमत और अपोजिशन की बराबर नुमाइंदगी है। जनूबी वजीरिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 4 खवारिज जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक इलाके में मुमकिन खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।